ऐसा हथौड़ा बम आपने आज तक नहीं देखा होगा। चलिए देखते कैसे बनता है। इसके लिए अपने को एक माचिस की जरूरत होगी। माचिस के तीलियों के ऊपर का जो मसाला लगा होता है उसको मैं निकाल लूँगा, जो कि माचिस के तीलियों के ऊपर जो मसाला लगा होता है उसको ही अपने को निकाल लेना है, जो कि काले कलर का है। देखिए मैं कुछ इस तरीके से प्लायर का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जगह आप कैंची, कटर किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं जल्दी जल्दी मसाला निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने बहुत सारा मसाला कुछ इसी तरीके से जमा कर लिया है। इसके बाद इसको रगड़ना भी होगा। मैं पेपर के ऊपर डाल लेता हूँ और पेन से रगड़ लेता हूँ कुछ इसी तरीके से। देखिए मैं जल्दी जल्दी रगड़ कर आपको दिखाता हूँ। देखिए अपना मसाला बारीक हो चुका है अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसको डब्बे में भी डाल देता हूँ, अलग कर देता हूँ। इसके बाद अपने को चाहिए होगी जो कि है बिजली बम। मैंने 3 बिजली बम ले लिए है। बिजली बम लेने के बाद आपको क्या करना है, उसकी बत्ती निकाल लेनी है और अंदर का जो भी मसाला है इसके अंदर डाल देना है। देखिए मैंने बहुत सारा मसाला डाल दिया है और एक क्रैकर में का मैं और एक डाल देता हूँ, क्योंकि अपने को ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, फिर भी फटेगा, इससे थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आएगा। देखिए मैंने कुछ इतना मसाला निकाल लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ इसके साथ, अपने माचिस मसाले के साथ और क्रैकर मसाले के साथ। क्योंकि नारियल का पानी पीने वाली स्ट्रॉ मैंने ले लिए, आप इसकी जगह प्लास्टिक किसी भी पाइप का यूज़ कर सकते हो, किसी भी पेन का यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं 3 सेंटीमीटर काट लूँगा कुछ इसी साइज में। इसके बाद इसको मैं काट लूँगा, इसके हम इसी साइज़ में अपने को कुछ इसी तरीके से मैं 5-6 टुकड़े कर लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी टुकड़े कर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कुछ 5-6 टुकड़े कर लिया है। इसके बाद मैंने एक कागज़ की गोल सर्कल बना लिया है कुछ इस साइज में। इसके बाद कुछ इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूंगा उसको। काफ़ी क्रैकर्स की वीडियो अपन ने डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और काफ़ी क्रैकर्स की वीडियो आने वाले हैं। एकदम यूनिक यूनिक क्रैकर अपन बनाने वाले फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने उसको ठोक दिया है जिससे कागज़ अपना फैले। देखिए बहुत सारे मैंने इसी तरीके से ठोक ठोक कर बना लिया है। इसके बाद जो कि घिसने वाला हिस्सा होता है अपने माचिस का, जिस पर रेड फॉस्फोरस लगा होता है, कुछ इस साइज में मैं इसको काट लेता हूँ। इसको बारीक काटना है, जो कि वाइट वाइट चीज़ देख रही है आपको, जो कि उसकी बॉर्डर है, वाइट वाली बॉर्डर को भी अपने को हटाना होगा। कुछ इस तरीके से मैं काट लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से वाइट वाली बॉर्डर को भी मैं हटा देता हूँ। इसके बाद अपने को इसके 2 टुकड़े करने होंगे एक के। देखिए मैंने 2 टुकड़े कर लिए है। इसके बाद अपने पाइप में, जो कि अपन ने स्ट्रॉ पाइप यूज़ की थी, उसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से, जिससे कि अपन अंदर भी मसाला भर पाए जो अपन ने बनाया है। इसके बाद कटर लेना है और माचिस की तीलियों को काटना है, जिस पर छोटे छोटे पॉइंट की तरह बारूद लगा होता है, कुछ इस तरीके से मैं उसको हटा देता हूँ। उसी की अपने को जरूरत होगी। तो देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ उसके अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए जो अपन ने बारूद बनाया था अपने बिजली बम और अपने माचिस का, माचिस के पाउडर का, देखिए इसके अंदर भरने के बाद आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है सर्कल वाला, और इसको भी सील पैक कर देना है और निकले ना, इसीलिए अपन फेमिकॉल भी डाल देंगे, और ऊपर से तो अपन ठोक नहीं सकते, नहीं तो इधर ही फट जाएगा हाथ में ही। देखिए अपना पूरा काम रेडी हो चुका है, अब सिर्फ इसको टेप लगा देंगे, जो कि अच्छा दिखेगा टेप लगने के बाद। तो अपने क्रैकर बन चुके हैं, चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो मैंने क्रैकर निकाल लिया, अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे फटते अपने क्रैकर। देखिए फ्रेंड्स मैं उसको निकाल लेता हूँ। कड़क सतह पर रखना है, नहीं तो अपनी टाइल वाइल पर फोड़ोगे तो टाइल फूट जाएंगी।
देखिए दो कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे स्लो मोशन भी और वैसे भी। काफी मस्त फटा अपना क्रैकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।